एकदम अपने मोमेंट में, और मेरा पीछा करते हैं। हम लोग जो है कि आ गए हैं मनियारी साइड में, आए हुए हैं भुजंगी चौक इसको कहते हैं। और इनके यहाँ जो है कि कोई सांप छुपा हुआ है, लेकिन पता नहीं विशाला सांप या विशेष सांप है। और सांप जो है ना कि इसी जो है ना कि डब्बा जो है, ये कार्टून है इसी में है। और इस सांप इस डब्बा में जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, और आंगनबाड़ी केंद्र चलने के कारण इसमें जो है ना कि बच्चों का किताब है, स्लेट है, और पेंसिल वेंसिल है, और दिख गया इसमें। और इसमें जो है कि निरोट बहुत ही ख़तरनाक जो है कि कोबरा सांप है, इसको सही सलामत हम लोग जो है कि निकालेंगे। लेकिन पहले उससे पहले हम लोग इसमें से सारा स्लेट उलेट जो है वो उसको हटाएंगे, और उसके बाद चलिए इसको हम लोग जो है कि बहुत ही डेंजर होता है ये सांप, और बहुत ही ख़तरनाक है, और बहुत ही गलत जगह पे छुपा हुआ था। और करीबन 10-15 दिन से सांप इसमें छुपा हुआ था, और कहीं ना कहीं हादसा हो जाता, लेकिन संजोग मनाए कि घर वाले इसे देख लिए। चलिए इसको हम लोग अपने अंदाज में इसको कैच कर लिए हैं, और इसको अपने कब्जे में लिया है, और इसको सही सलामत हम लोग जंगल में छोड़ेंगे। उससे पहले चलिए बाहर में चलते हैं, इसके बारे में आप लोग को रूबरू कराते हैं कि आखिर ये कौन सांप है, और इस सांप को क्या कहते हैं, और इस सांप के काटने से मौत होगी या नहीं होगी, उसके बारे में आप लोग को हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले इससे पहले हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि घर में है, घर में कोई भी हादसा हो सकता है, इससे पहले बाहर चलेंगे और अपने अंदाज में आप लोग को हम बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। कृपया आप लोग जो है कि दूरी बना ले। और इस सांप को जो है ना कि बहुत ही ख़तरनाक सांप है, और इस सांप में जो है कि न्यूरोटॉक्सिन जहर रहता है, जो आदमी को काट ले तो 2 घंटे के अंदर में सही उपचार न हो तो मौत निश्चित है। इसलिए इस सांप से आप लोग जो है ना कि जितना दूरी हो सके उतना दूरी रहे। और ठंड के कारण जो है ना कि थोड़ा सा जो है कि ये स्थिर है, अगर यही गर्मी का माहौल रहता, लेकिन ये घर से निकलना चाहता था, लेकिन घर में जो है ना कि आवागमन के कारण ये सांप जो है ना कि घर में ही छुपा रह गया, घर में ही बैठा रह गया। लेकिन आप लोग जान ले कि अगर सांप आपके पास अचानक आ जाए तो आपको हिलने की ज़रूरत नहीं है, डोलने की ज़रूरत नहीं है। हिलेंगे डोलेंगे तो सांप आपको बाइट कर लेगा, लेकिन आप जैसे ही स्थिर रहेंगे तो ये सांप जो है ना कि आपके पास से गुजर जाएगा, लेकिन आपको जो है कि थोड़ा सा भी जो है ना कि हानि पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इस सांप को जो है ना किसे पलक नहीं होता, और जिस जीव का पलक ना हो उसके लिए दिन रात सारा एक समान होता है। इसलिए सांप को जो है ना किसे आँख रहते हुए भी जो है ना कि जिस तरह से हम आप देखते हैं, रंगीन दुनिया देखते हैं, उस तरह से ये रंगीन दुनिया नहीं देख पाता है, क्योंकि सांप के पास जो है ना कि आँख के पास पलक नहीं होता है। पलक जिसके पास रहेगा वही रंगीन दुनिया देख पाएगा, या फिर क्या कहते हैं ये दिन रात का जो है कि महसूस कर पाएगा, लेकिन जिसके पास पलक ना हो उसके लिए दिन रात दोनों एक समान होता है। इसलिए इस सांप को आप लोग जब भी देखें और अचानक में आप लोग के पास अगर आ जाए तो याद रखें कि आप लोग को जो है ना कि दौड़ कर भागने की कोशिश ना करें। और देखिए ये अपने जो है कि मोमेंट में अब आना चालू कर दिया है, धीरे धीरे जैसे जैसे इसको जो है कि गर्मी का महसूस एहसास होगा वैसे वैसे जो है कि ये जो है ना कि एकदम अपने मोमेंट में आ जाएगा। और इस सांप को जो है कि बहुत ही आप लोग भाग्यशाली थे कि इसने सांप ने आपको छुआ नहीं, आपको अगर ये सांप काट लेता, अगर सही उपचार आपका नहीं होता तो एकदम मौत आप लोग का, जिसको भी काटता उसको मौत एकदम निश्चित था। लेकिन ऊपर वाला जानता है कि जाखोरा के साइया मार सके ना कोई, इसलिए ऊपर वाले के इशारे से जो है ना कि ऊपर वाले की मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिलता। चलिए इसको हम लोग सही सलामत डब्बे में पैक करते हैं, और इसको सही सलामत हम लोग फॉरेस्ट में रिलीज़ कर देंगे, और रिलीज़ का भी वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। इसी में आप लोग पूरा अंत तक वीडियो दिखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने इस सांप को कहाँ रिलीज़ किया, नहीं किया, और ये सांप को रिलीज़ करने के बाद ये सांप अपना जीवन जो है ना कि फर्स्ट क्लास व्यतीत करेगा। और आप लोग को बता दें कि जो लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो लोग YouTube पर जाएं और स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर लिखेंगे, मेरा YouTube चैनल आ जाएगा, उसको आप लोग जो है ना कि सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर लेंगे ताकि आपके परिजनों के पास भी ये वीडियो पहुँच जाए, और वीडियो के माध्यम से मेरा नंबर भी पहुँच जाए ताकि कोई भी भेजुआ जीव को जान बचाया जा सके। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पे, सांप को जो है कि रिलीज किया जा सकता है, और गर्मी का भी धमक है।
चलिए सांप को हम लोग यहीं पर रिलीज कर देते हैं, और यहीं पर सांप को हम लोग रिलीज कर देते हैं और ये फर्स्ट क्लास से अपना जीवन व्यतीत करते रहेगा। लाजवाब एकदम अपने मोमेंट में और मेरा पीछा करते हुए, ये देखिए किस तरह से पीछा कर रहा है और ये अपने रास्ते की ओर जा रहा है।